हेलो एवरीवन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। टुडे इट इज़ आवर 60th लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर आई एम हेयर विद द चैप्टर माय चाइल्डहुड। दिस चैप्टर इज़ अबाउट ए पी जे अब्दुल कलाम। यू नो वेरी वेल हु वाज ए पी जे अब्दुल कलाम। ए पी जे अब्दुल कलाम वाज मिसाइल मैन, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हम लोग उनके बारे में, उनके उनके जीवन के बारे में कुछ झलकियाँ देखेंगे, कुछ कुछ जो है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। एक उन्होंने उनकी एक बुक थी और विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोबायोग्राफी? जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की कहानी खुद अपने हाथ से लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो वो विंग्स ऑफ फायर जो है वो उनके चाइल्डहुड के बारे में कहानी है। तो उसी की बात यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर से लेकर के थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है ना यहाँ पे दिया गया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग देख लें। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आईलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। कहते हैं कि मेरा जन्म जो हुआ था वो एक मध्यवर्गीय परिवार जो तमिल फैमिली थी उसमें हुआ था। और कहाँ पे? एक आइलैंड टाउन है जो रामेश्वरम जो आइलैंड टाउन है जो तटीय इलाका में है मद्रास स्टेट के, वहाँ पे। माय फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पिताजी थे जिनका नाम जैनुल आबदीन था, उनके पास ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन था यानी शिक्षा थी उनके पास, और ना ही ज़्यादा धन। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पॉसेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी, इस कमी के बावजूद भी, उनके अंदर जो थी ना वो एक बहुत ही अंदरूनी, एक बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर अक्लमंदी थी और एक सच्ची जो है ना उदारता, आत्मा की उदारता जो होती है, जेनरोसिटी जो होती है, वो थी उनके अंदर। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई मदर अशी अम्मा। और उनको एक बहुत ही आदर्श जो है ना हेल्प मेट थी, मददगार एक लेडी थी जो मेरी माँ के शक्ल में थी, जिनका नाम अशी अम्मा था। आई डू not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. APJ Abdul Kalam कहते हैं कि मैं पूरी तरह से तो याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ठीक ठीक कितने लोग हर दिन खाते थे मेरे घर पे, लेकिन मैं ये बिल्कुल सर्टेन हूँ कि जितने लोग मेरे परिवार में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग रोज बाहर से मेरे घर में खाना खाया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में एक मैं भी था, अपने माता पिता का एक बच्चा। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक नाटा सा लड़का और थोड़ा जिसका लुक ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो, ज़्यादा अच्छा नहीं हो, वैसा लुक वाला एकदम साधारण शक्ल सूरत वाला मैं एक लड़का था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और पैदा हुआ था लंबे और हैंडसम खूबसूरत माता पिता से। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग रहते थे अपने पैतृक घर में जो पहले से पूर्वजों से होते हुए आया है उस घर में। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century, जो जिसको बनाया गया था 19वीं सदी के मध्य में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये बहुत ही एक साफ सुथरा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना और ईंट से बना हुआ था, पहले सुर्खी चूना से जो कहते हैं वैसे ही बना हुआ था। ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद गली रामेश्वरम की जो मस्जिद गली थी वहीं पे। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो सीधे साधे
फादर थे वो हमेशा अवॉइड करते थे गैर ज़रूरी चीज़ों से आराम की और ऐश की, ऐशो आराम की जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे बचते थे हमेशा, वो नहीं लाया करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स। अगरचे ये अलग बात है कि सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान की जाती थी, दी जाती थी हमें, जैसा कि खाना, दवा और कपड़े। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित बचपन था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरह से, सामान के तौर से भी, मटेरियली भी, और इमोशनली, यानी एक इमोशनली भी मैं काफ़ी सिक्योर था। मेरे माता पिता की तरफ से या कहीं से कोई टॉर्चर नहीं था, तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी एक सुइटेबल था मेरा लाइफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई जब 1939 में, उस वक्त मैं 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। किस कारण से ये मैं नहीं समझ पाया कि अचानक टैमरिंड सीड्स का यानी इमली के बीज का डिमांड क्यों बढ़ गया था मार्केट में, ये मुझे समझ में नहीं आया था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मस्क स्ट्रीट। मैं वो जो बीज था टैमरिंड का, इमली का, वो मैं जमा किया करता था दिन भर और एक किराना शॉप पे ले जाकर बेच दिया करता था जो मस्जिद गली के पास था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम, और वो जो एक दिन का जो कलेक्शन जो मुझे आता था वो एक राजकुमार के पैसे के जैसा था। वो ये जेनरस अमाउंट हेयर आयरनिक, यहाँ पे जो ये जो उदार अमाउंट कहा गया है वो आयरनिक है यानी व्यंगात्मक है। वन आना ऑफ वन आना, कितने का आता था, एक आना का मेरे पास कमाई होता था पूरा दिन काम करने के बाद। माई ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। दिनामनी एक पेपर का नाम है। कहते हैं कि मेरे जो बहनोई थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे जिसको मैं बाद में हेडलाइंस, दिनामनी के हेडलाइंस में पाने लगा, मैं देखने लगा। आवर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वार। मेरा जो एरिया था बिल्कुल अलग थलग था, इसलिए वार से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही इंडिया जो है अलाइड फोर्सेज के साथ मिल गई, लग गई, और एक हमारे देश में एक स्टेट में एक इमरजेंसी जैसा माहौल बन गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहली जो परेशानी जो आई, कैजुअलिटी जो आई, वो ये थी कि जो ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पर, वो रुकना बंद हो गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुकोड़ी। तो जो न्यूज़पेपर जो उस ट्रेन से आया करता था उसको अब ट्रेन के ऊपर से बंडल बना बना करके फेंका जाने लगा रोड के ऊपर, रामेश्वरम और धानुकोड़ी के बीच में। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इट इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और ये चीज़ मेरे कज़िन, मेरे चचेरे में मेरे भाई जो थे जिनका नाम शमसुद्दीन था, जो कि न्यूज़पेपर रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ गई जिसको नेचुरली मैंने फिल किया, यानी मैं वहाँ पर काम करने चला गया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मदद किया मुझे पहला अपनी कमाई कमाने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, यानी लगभग 50 साल बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज भी मैं लगभग 50 साल बाद भी मैं वो जो अपने अंदर जो फख्र महसूस किया था पहली कमाई का, वो आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ। तो ये था अब तक हम लोगों ने ये देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे क्या होता है उनके बचपन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।